नाज़रीन, आज जलगांव शहर में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। जलगांव के कलेक्टर ऑफिस के सामने और कलेक्टर ऑफिस के अंदर कलेक्टर साहब को बकायदा मेमोरेंडम दिया गया और इस बात का इजहार किया गया कि जुमा के दिन नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मनोज कुमार तोमर नामी एक पुलिस अफसर ने मुसलमान युवाओं को और मुसलमान नमाजियों को लातें मारी, पूरे मजहब इस्लाम का और मुसलमानों का अपमान किया। इसलिए गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिनों से पूरे मुल्क भर में आवाज़ें उठ रही है, लेकिन कमाल की बात यह है कि मनोज कुमार को सिर्फ सस्पेंड किया गया, कहीं पर भी उस पर FIR और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी डिमांड को लेकर, इसी मांग को लेकर जलगांव के अलग अलग संगठनों के जिम्मेदार आज बड़ी तादाद में और औरतें भी आज बड़ी तादाद में जलगांव कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हुई और बकायदा तमाम सामाजिक संगठनों की जानिब से जाहिर निषेध किया गया और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस हाय हाय, मनोज कुमार तोमर को अटक करो, गिरफ्तार करो, FIR मुकदमा दर्ज करो के नारों से आज जलगांव का कलेक्टर ऑफिस मुल्क की राजधानी दिल्ली में जुमा की नमाज के मौके पर एक बहुत ही निंदनीय वाक्य पेश आया। एक पुलिस अफसर जिसका नाम मनोज कुमार तोमर बताया जा रहा है, इसकी मानसिकता कितनी गंदी और घटिया है कि इसने सड़क पर नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम और कई मुस्लिम युवकों को सजदे की हालत में लात मारा, जिसकी निंदा करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। और इससे ज्यादा हम निंदा उस सिस्टम की करते हैं कि इस शख्स पर, इस मनोज कुमार तोमर पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने से मामला नहीं चलेगा, इसलिए आज जलगांव के तमाम संगठनों के पदाधिकारी ये डिमांड करते हैं कि मनोज कुमार तोमर पर, इस पुलिस अफसर पर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस पर मुकदमा, इस पर FIR दर्ज की जाए। जलगांव निवासी की ओर से माननीय महामहिम राष्ट्रपति और सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्री अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर को एक निवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से हम यहाँ दे रहे हैं, जिसमें हमारी 6-5 मांगे है। सबसे पहले एक मांग ये है कि हम इस जो घटना हुई है उसका हम तीव्र स्वरूप से निषेध करते हैं, कंडेम करते हैं। साथ ही में वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ FIR नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने FIR करना चाहिए। दूसरे, हमने यहाँ पे जलगांव में 9 मार्च को हमने भी शनिपेट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की है, लेकिन वो FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। वनली एक हमारा कंप्लेंट एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है वही एप्लीकेशन हुआ है। इसलिए हमारी दूसरी मांग वो है कि जलगांव में भी हो, जिस तरह से हमारे मुफ्ती सलमान हाजरी पे एक ही साथ में कम से कम 25 जगहों पे एक ही टाइप का गुनाह दाखिल हुआ था, इसी टाइप से, उसी तरह से, उसी कायदे के तहत ये मनोज कुमार तोमर पे होना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड यह है कि मनोज कुमार तोमर को पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड नहीं बल्कि रिमूव फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। चौथी डिपार्टमेंट यह है हमारी डिमांड कि मनोज कुमार के खिलाफ 30 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दायर हो और 180 दिन के अंदर यानी 6 महीने के अंदर इस केस का निकाल लगा के उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और पांचवी है हमारी कि इस दौरान यानी अंडर ट्रायल में ही उसको कड़ी निगरानी में जेल में रखा जाए और उसको जमानत ना दी जाए और उसका आखिरी फैसला वहीं पे हो। ये डिमांड के लिए आज हम जलगांव निवासी यहाँ पे उपस्थित है। हमने 1 घंटा पहले बाहर निदर्शन किया, अलग अलग टाइप की घोषणा दी ताकि सरकार हमारी मांगों पे ख्याल दे, और अभी हम माननीय जिलाधिकारी की ओर जा रहे हैं, उनके माध्यम से हम निवेदन देंगे। शुक्रिया। दिल्ली में मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ने सजदे की हालत में उनको तकलीफ दी गई और जो उनके साथ अत्याचार हुआ, तो इसके लिए हम सब लोग यहाँ निवेदन देने के लिए खड़े हैं और हमारी इस मांग को सरकार कबूल करे और मनोज कुमार को सस्पेंड के साथ उसको अटैक भी होना चाहिए और उसको कड़ी सजा कोई ऐसी होना चाहिए कि आइंदा कोई मुसलमानों को तकलीफ देने से पहले 100 बार सुन। माननीय कलेक्टर साहबांच्या तर्फे मार्फत महामहिम राष्ट्रपती व गृहमंत्री अमित शाह यांना आम्ही निवेदन देत आहे
दिल्ली मध्ये शुक्रवारी मनोज तोमर या पोलीस अधिकाऱ्याने नमाज अदा करत असताना मुस्लिम बांधवांना उभे उभे लाट मारली, ही आपली भारतीय संस्कृती नाही, आम्ही याचा जाहीर निषेध करतो। ही मानसिकता जी भारतात वाढत चाललेली आहे याची आम्ही जाहीर निषेध करतो व सरकारकडे आम्ही मागणी करतो का मनोज कुमार तोमर याच्यावर लवकरात लवकर FIR दर्ज करून त्याला अटक करण्यात यावी। मांग करने के लिए और एक निवेदन करने के लिए कि जो मुसलमानों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है और राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सजदे की हालत में और नमाज पढ़ते वक्त लात मार के अपमान किया गया है, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी और धर्म के लोगों के साथ में भी ऐसा अत्याचार हो। क्यों? क्योंकि हर एक धर्म की एक आस्था होती है, एक हार्ट टचिंग कुछ ना कुछ तो एक लगाव होता है। तो अगर यहाँ पर किसी और धर्म के साथ में भी ऐसा किया जाता तो हमको इतना ही बुरा लगता जितना आज हमारे साथ में किया गया है तो बुरा लग रहा है। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ में मांग करते हैं, ऐसे लोगों का निषेध करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले, ये हमारी आप सभी से मांग है, अमित शाह जी से और मोदी जी से भी मांग। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने सजदा करते टाइम एक मुस्लिम भाई को लात मारा है, हम उसका निषेध करते हैं। उसी के साथ देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं घट रही है, कई मुस्लिम को ट्रेन में मारा जा रहा है, पुलिस स्टेशन मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। इसके ऊपर एक समिति बनना चाहिए और अल्पसंख्यक पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ समिति बनकर ऐसे काम करने वाले ऐसे मारने वाले और अत्याचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।